ऑक्सीजन ब्लू नाम से कलर मिल जाता है डुअल टोन के साथ। फॉलो मी हेड लैम्प ऑप्शन, अगर आप इसी से चार जो है कटआउट देखेंगे वही चीज हमारे ऊपर लाइट में दे रखी है टाटा। गाड़ी में आपको कंपास जैसा फीचर्स मिल जाता है। हेलो भाई, मैं हूं मोहम्मद आजम। तो आज हम देखने वाले हैं टाटा की नेक्सॉन। भाई सबसे पहले जो कलर कंपनी ने इसमें चेंज कर दिया भाई, अगर आप देखोगे तो इसमें हमें मिलने लगा अब ओशियन ब्लू नाम से कलर मिल जाता है डुअल टोन के साथ में। रूफ जो मिलती है आपको व्हाइट मिलती है, अगर आप नीचे देखोगे तो ओशियन ब्लू टाइप में मिल जाता है। वेरिएंट की बात करता हूँ भाई, क्रिएटिव प्लस एस मिल जाता है पेट्रोल के अंदर, जो हमें वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट पड़ जाता है, जिसमें भाई आपको ज़रूरत के सब फीचर जो है यहाँ मिल जाते हैं, जैसा आपका सनरूफ हुआ, 360 कैमरा वगैरह, फ्रंट में पार्किंग सेंसर, हर चीज़ यहाँ देखने के लिए हमें मिली जाती है। भाई गाड़ी की अगर एक्स शोरूम कॉस्ट की बात करता हूँ तो 12,29,990 रुपये जो है हमारा एक्स शोरूम निकल का आता है। भाई एक्स शोरूम तो हर कहीं का सेम रहता है, जो भी चेंजेस होनी होती हैं वो हमारे ऑन रोड में हो जाती हैं, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है हमारा ऑन रोड प्राइस। लगभग यहाँ पर 14.5 लाख या 15 तक जाता है अगर आप एक्सेसरीज वगैरह पकड़ते हो थोड़ी बहुत। तो सबसे पहले भाई की बात कर लेता हूँ, जैसे हमारा पेट्रोल वेरियंट है कुछ ऐसी की जो हमें यहाँ देखने के लिए ओवरऑल मिल जाती है भाई, लॉक अनलॉक मिल जाता है। भाई कैमरा फोकस क्यों नहीं करता। बाकी ओवरऑल भाई की तो हमें हर गाड़ी में सेम देखने के लिए मिली जाती है टाटा की, काफ़ी अच्छी चीज़ है। फोकस भाई लॉक हो रहा है एक सेकंड। यहीं पे भाई अगर फीचर्स की मैं आपके लिए बात करता हूँ तो फीचर्स भी बताता हूँ, लेकिन भाई जो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट पड़ रहा है अगर आप देखोगे तो हर चीज़ यहाँ मिल जाती है। सबसे मेन चीज़ तो जो हमें डुअल टोन मिल जाता है देखने के लिए। रूफ अगर देखोगे तो भाई वाइट का टच मिलता है, काफ़ी प्रीमियम जो सेगमेंट हमें निकल का आता है। और फिर दूसरी बात भाई टाटा वालों के लिए खुशी की बात है, टाटा अपनी 50 लाख कार सेल कर चुके हैं अपने 25 साल में। भाई जो नेक्सॉन का ये हमारा फेसलिफ्ट आया था तो भाई उम्मीद नहीं थी कि इतना प्रीमियम सा लुक निकल आएगा। अब तो टाटा की हर गाड़ी का सेम पैटर्न हो चुका है, अब हैरियर लो, सवारी लो, पंच ईवी लो, या नेक्सॉन ईवी या नेक्सॉन पेट्रोल के अंदर लो। ईवी भी देखोगे तो भाई आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उसका भी रिव्यू आपको देखने के लिए ओवरऑल मिल जाएगा। फ्रंट से सेटअप की बात करता हूँ तो भाई 2-in-1 में आपको मिल जाएगा DRL और इंडिकेटर एक ही के अंदर जो है वो दिए गए। बाकी पूरा कंसोल्ट आपको मिलता है पियानो ब्लैक के साथ में, कनेक्टिंग में टेल लाइट नहीं आएगा, वो आपको सिर्फ ईवी के अंदर मिलता है, पेट्रोल में आपको इतना ही देखने नहीं मिलेगा। उसी के साथ में नीचे बात करता हूँ तो भाई आपको की में मिल जाएगा फॉलो मी हेड लैम्प ऑप्शन, अगर आप इसी से इसका हेडलाइट जो है ऑन ऑफ यहीं पर कर सकते हैं। भाई कोई भी फॉग लैम्प वगैरह नहीं मिलेगा हमें क्रिएटिव प्लस एस के अंदर, उसके लिए आपको एडवेंचर पे या फेयरलेस के ऊपर जाना पड़ता है। फ्रंट में और बात करूँ तो भाई 2 पार्किंग सेंसर जो है वो हमें यहाँ दिए गए हैं। बाकी 360 कैमरा ओवरऑल देखने के लिए मिलता है। 2 जोन में आपको ग्रिल मिल जाएगी। भाई नीचे बात करूँ वाइट कलर में आपको स्पोर्टी स्किट प्लेट भी देखने के लिए मिल जाती है, जिसका कलर वाइट रहने वाला है, क्योंकि अगर आप रूफ देखोगे तो रूफ भी हमारी वाइट मिलेगी, इसीलिए कंपनी ने ये भी अपना वाइट जो है दे रखा है। ओवरऑल भाई फीचर्स की और बात करता हूँ साइड में, जैसे आपको लेके चलता हूँ मैं, सबसे पहले आप देखोगे पूरी गाड़ी पर जो है हमारी क्लेडिंग देखने के लिए मिल जाती है। साइड मिरर जो रहने वाला है पियानो ब्लैक में मिलेगा, 360 कैमरा इसके ऊपर मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल मिल जाएगा विथ फोल्डेबल मिल जाएगा, LED वेट जो भाई यहाँ पे इंडिकेटर हमें देखने के लिए मिलता है टर्न वाला। अलॉय व्हील की बात करता हूँ तो भाई इसमें आपको अलॉय मिलेगा डायमंड कट के साथ में आता है। ये जो पैटर्न है भाई ये काफ़ी प्रीमियम लगता है, आप यहाँ पर देखोगे तो चार जो है कटआउट देखेंगे वही चीज़ हमारे ऊपर लाइट में दे रखी है टाटा ने। फ्रंट में डिस्क ब्रेक है भाई, रियर में भी आपको इसमें डिस्क ब्रेक जो है ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिलेगा। भाई फ्रंट में डिस्क है, रियर में आपको ड्रम मिलता है देखने के लिए। बाकी ओवरऑल रियर से प्रोफाइल और दिखाता हूँ तो सबसे मेन चीज़ भाई जो टेल लाइट दी है टाटा ने अपनी कनेक्टिंग में, काफ़ी प्रीमियम सी जो यहाँ हमें देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ आप देखोगे तो टाटा का लोगो नया वाला देखने के लिए मिल जाता है, रिफ्लेक्टर आपको यहीं मिलेगा, कनेक्टिंग में टेल लाइट दे रखी है, यहीं से लाइट बंद करता हूँ मैं। वाइपर भी आप देखोगे तो हिडन कर रखा है, जनरली आपने देखो होगा यहाँ होता है, लेकिन भाई देखो 15 लाख रुपए की गाड़ी में टाटा ने इतना प्रीमियम सी चीज़ कर दिया। आप देखोगे तो दूर से आपको वाइपर नहीं मिलता, जैसे आप नीचे और झांकते हो तो आपको वाइपर भी देखने लिए मिल जाता है। तो अच्छी चीज़ है टाटा ने अपने हिडन में वाइपर जो यहां दे रखा है। स्पॉइलर मिल जाता है, ऊपर सार्फी 99 मिलता है, वो आपको ब्लैक के साथ में मिल जाता है। वो भाई क्रिएटिव प्लस एस है तो इसमें आपको एस लग गया है तो सनरूफ बढ़ गया है, खाली क्रिएटिव प्लस होता तो सनरूफ जो है हमारा नहीं होता। रूफ रेल्स जो मिलती हैं वो सिल्वर कलर के साथ में ओवरऑल देखने के लिए मिली जाती हैं। बाकी और चीज़ मैंने बताई दी है। यहाँ बात करूँ तो इंडिकेटर पीछे आपको ऐसा मिल जाता है, नीचे रिफ्लेक्टर वगैरह सब मिलता है, नेक्सॉन की बैजिंग मिल जाती है। अब अंदर से दिखाता हूँ अंदर से हम और क्या क्या देखने के लिए गाड़ी में मिलता है। भाई देखो कीलेस एंट्री हमें देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहीं देखने के लिए जो मिलता है। करता हूँ गाड़ी की भाई लाइट ऑफ, इंडिकेटर वगैरह 1000 लाइट। जैसी डोर की बात कर लेते हैं भाई, पूरा कुछ हमें इतना बड़ा डोर जो है यहाँ टाटा ने अपना दे रखा है नेक्सॉन के अंदर। वो भाई देखो इंडिया की सेफेस्ट कार में से आती है नेक्सॉन, एक सेगमेंट में SUV सेगमेंट तो पड़ता ही, फिर सेफेस्ट आपको बताइए टाटा का लोहा कितना मजबूत होता है। यहाँ आप देखोगे तो इसमें वाइट की टचेज दे रखी है, सॉफ्ट टच का मटेरियल दे रखा है, चारों विंडो पावर मिल जाती हैं।
साइड में इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल विद फोल्डेबल मिल जाते हैं, क्रोम में डोर हैंडल है, ट्विटर भी यहाँ दिया गया है, नीचे स्पीकर मिल जाता है, इधर आपको भाई रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है। भाई देखो 15 लाख की गाड़ी में जो जो चीज़ें होनी चाहिए थी टाटा ने हर चीज़ यहाँ दे रखी है, तो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट पड़ जाता है। पेट्रोल इंजन है भाई, आपको बताइए लाइफ भी 15 साल होती है अपने यूपी में। तो अगर आप NCR वगैरह कहीं और से वीडियो देख रहे हो तो आप कमेंट में बताना आपके यहाँ कितनी एज है डीजल गाड़ी की और पेट्रोल गाड़ी की, सरकार ने कितनी वैलिड जो है वो कर रखी है। अब जैसे भाई अंदर ले चलता हूँ, अंदर फीचर्स और दिखाता हूँ। सबसे पहले सॉरी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ सीट की, तो भाई हाइट के थ्रू एडजस्टेबल कर सकते हैं, ऊपर नीचे जो इस पर यहीं से आप कर सकते हैं। सब लीवर टाटा ने अपने दे रखे हैं, इसको नीचे करता हूँ ताकि 1XP कैमरा यूज़ कर रहा हूँ तो आपको हर चीज़ जो समझ ठीक से आ जाए। अब करते हैं भाई गाड़ी का डोर बंद। जैसे भाई सीट और पीछे तो मैंने फुल कर रखी है, गाड़ी मैनुअल में मिलेगी हमें। बूट देखो खुला हुआ है तो हमारा उसमें सो हो जाता है कि हमारी गाड़ी का बूट जो है वो खुला हुआ है। भाई अगर आप मीटर को देखोगे तो मीटर भी एक अच्छी बहुत अच्छी खासी डिज़ाइन में कंपनी ने अपना दे रखा, पूरा आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने नहीं मिलता, कोई भी नॉर्मल से नहीं मिलता। और भाई देखो सीट बेल्ट की कितनी अच्छी रिमाइंडर आती है, 5-सीटर गाड़ी है तो पहली सीट पर मैं बैठा हूँ ड्राइवर साइड, तो देखो बिंद की जो है वो लाल हो गई है। अगर मैं उठ जाता हूँ इस पर से तो भाई ये हमारी वाइट जो है हो जाती है। जैसे मैं इस पर से उठ के आऊँगा इसमें जो सेंसर लगे हुए हैं वो कर लेता अपने आपको सेंस के, ऑटोमेटिकली बता देता है हमें। और भाई गाड़ी में आपको कंपास जैसा फीचर्स मिल जाता है किस एंगल में हमारी गाड़ी जो है खड़ी है, पूरा इतना प्रीमियम सा जो यहाँ मिल जाता है। इसमें भाई मोड भी मिल जाते हैं आपको, देखो यहाँ पर मिल जाएगा इकोनॉमी मोड मिल जाएगा, स्पोर्ट मोड मिल जाएगा और हमें सिटी मोड भी देखने लिए जो है मिल जाते हैं। तीनों मोड यहाँ मिल जाते हैं, वहाँ आपको सो भी हो जाता है देखने लिए, वार्निंग वगैरह हर चीज़ की बनकर आई जाती है। इधर बात करूँ क्रूज कंट्रोल इधर मिल जाते हैं, इधर आपको माउंट कंट्रोल मिल जाते हैं। और ये भाई जो टाटा का इसमें इतना प्रीमियम सा यहाँ पे चीज़ टाटा ने करी थी, टाटा इस चीज़ को लेकर आ पाया अभी तक कोई सी गाड़ी के बस की नहीं है, कोई और सी कंपनी इस चीज़ को ले आया भाई ये जलता हुआ इतना प्रीमियम सा लगता है काफ़ी। बाकी एयरबैग आपको देखने लिए ओवरऑल यहाँ जरूर से मिल जाते हैं। और बात करता हूँ भाई यहाँ आपको पूरा ग्रे का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। बात कर लेते हैं गाड़ी के 360 कैमरे के व्यू की। देखो टाटा से शिकायत रहती थी भाई टाटा क्वालिटी नहीं देते, ये नहीं देते, अगर आप पर्सनली देखोगे इतना बढ़िया कैमरा जो है टाटा ने अपनी हर गाड़ी में अब कर दिया है। 360 में देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जो जो पास में है वो चीज़ पूरी नोटिस कर लेता है, सेंस करते हैं कैमरे वगैरह हर चीज़, कौन सा आपको कैमरा खोलना है आप यहीं से इसमें देख सकते हैं। फ्रंट का देखना है, रियर का देखना है, पार्किंग सेंसर वगैरह सब आते हैं। इसको करता हूँ बंद। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले आप इसको वायरलेसली जो है कनेक्ट कर सकते हैं। हर फीचर जो है टाटा ने अपना ओवरऑल दे रखा है। बैक करता हूँ पूरा भाई इसका, हर इसमें ब्राइटनेस आपको कम ज़्यादा करनी हो तो काफ़ी मिल जाता है। और भाई देखो डिस्प्ले का साइज भी अब काफ़ी बड़ा कर दिया है, पहले होता था कि डिस्प्ले का साइज छोटा है लेकिन इस बार टाटा ने काफ़ी बड़ा यहाँ पर साइज कर दिया है। ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको IRVM मिल जाता है, ऑटोमेटिक वाइपर भी मिल जाते हैं। और तो और भाई सनरूफ देखने लिए मिलता है, सनरूफ खोलता हूँ यहाँ आप देखोगे तो वाइट लाइट मिल जाती है देखने लिए, उसी के साथ में टिकट होल्डर है। इधर बात कर लेता हूँ तो मिरर है भाई, एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो सनरूफ से हाथ कटेगा या बचेगा वो भी लाइव आपको समझाऊंगा। भाई पीछे चला जाता है देखो, निशान वगैरह कुछ नहीं मारता लेकिन हल्की फोर्स तो इसने लगाई है हाथ, लेकिन ठीक है भाई टाटा ने गाड़ी अच्छी बना रखी है। मैं इस चीज़ को कहूँगा कि टाटा की गाड़ी बहुत बढ़िया है, इससे आपको हवा वगैरह लेनी हो तो आप सनरूफ में यहीं से जो है ले सकते हैं, लेकिन जाता हुआ होता तो नहीं रुकता, ऐसे रोक के फिर हमें आगे करना पड़ता है जब जाकर हमारा सनरूफ जो है बंद हो जाता है। इसको करता हूँ बंद। यहाँ आपको ट्विटर मिल जाते हैं, उसी के साथ में भाई इतना स्पेस यहाँ मिलता है, यहाँ मिल जाता है पूरा पियानो ब्लैक का कंसोल मिल रहा है। गेन नॉब में भाई ज़्यादा खास मुझे लगा नहीं, यहाँ पर थोड़ी सी कंपनी ने अपनी जरूर से इसमें भाई थोड़ा अच्छा होना चाहिए था, ये देखो क्योंकि भाई 15 लाख देने वर्थ हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा मेरा दिल फीका हो ही जाता है। उसी के साथ में एयरबैग मिल जाते हैं, 6 एयरबैग यहाँ पर आपको साइड कर्टन से एयरबैग मिल जाते हैं, स्टेयरिंग और गो पैसेंजर साइड, उसी के साथ में आपको सीट पर भी एयरबैग जो है वो दिए गए सीट। और भाई यहाँ बात मैं करूँ तो आपको इसमें सीट बेल्ट भी आप ऊपर नीचे जो यहीं से कर सकते हैं। पीछे लेके चलता हूँ, उससे पहले अगर यहाँ दिखाऊँ तो आपको टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है, टाइप ए का पोर्ट भी देखने लिए जो जरूर से मिल जाता है। इसको करता हूँ बंद। इंजन स्टार्ट बटन आपको इधर मिल जाता है जर्मन कंपनी की तरह। भाई स्पेस और दिखाऊंगा, सीट को अपने हिसाब से एडजस्टेबल मैंने कर ली है। अब जैसे पीछे आपको लेकर चलता हूँ पीछे कितना स्पेस और क्या देखने लिए जरूर से मिल रहा है हमारी पंच सॉरी नेक्सॉन के अंदर। जैसे भाई सेकंड रो में बैठते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ देखोगे तो इसमें मिल जाते हैं हमें AC वेंट देखने लिए सेकंड रो के अंदर, बट कोई भी चार्जिंग का पोर्ट नहीं आएगा। उसी के साथ में एडजस्टेबल हेडरेस्ट आएंगे, स्पेस भाई काफ़ी मिल जाता है। जैसे मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच उस हिसाब से काफ़ी स्पेस जो मैं यहाँ देखने लिए मिल जाता है। इधर आप देखोगे तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह है, 60-40 स्पीड सीट नहीं है ना ही आर्मरेस्ट है, कुछ नहीं है, बट स्पेस काफ़ी है। बाकी पूरा डैशबोर्ड आपको इतना प्रीमियम सा मिलता ही है देखने लिए। सेकंड रो का डोर भी भाई काफ़ी बड़ा जो यहाँ पे दे रखा है, चाइल्ड लॉक वगैरह कंपनी ने अपना यहाँ दे रखा है, डुअल टोन में ही मिलेगा, सॉफ्ट टच का मटेरियल, विंडो अप डाउन वगैरह सब मिल जाती है देखने के लिए।
बाकी गाड़ी पर आप एक्सेसरीज लेनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में यहाँ की डीलरशिप का आपको नंबर मिल जाएंगे, आप उनसे एनी इंक्वायरी वगैरह ले सकते हैं। बाकी इस टाइम हम शूट कर रहे हैं भाई श्री बालाजी टाटा मोटर्स पर, जो आपको मुरादाबाद के अंदर देखने के लिए मिलेगा, तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। तो चाहिए था भाई इस वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक करके आना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।